रीडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। हमेशा की तरह जो संकेत हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेत, उन पर नजर डाल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपके स्क्रीन के सामने रखते हैं। निचले स्तर से एसजीएक्स निफ्टी में अगर आप देखें तो ठीक ठाक एक रिकवरी देखने को मिल रही है। करीब करीब अगर आप देखें तो 22-23 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। लाल निशान में खुला था एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो संकेत हैं थोड़े से मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। कुशल, कैसे देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को? बिल्कुल, इनफैक्ट आशीष, जिस तरह से डाउ जोन्स अगर आप देखें तो कल के सत्र में तो फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, पर कल का मैं चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा था तो ऑलमोस्ट यहां पर अच्छी तेजी बनकर जो है ये फ्लैट क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए थे। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.2-0.3% जो है इनमें से तीन में से दो इंडेक्स जो है वो ये लेवल्स शो करते हुए दिखे थे। और एशियन बाजारों की आपने ऑलरेडी अपडेट दे दिया है। और अगर आप फ्यूचर्स की भी बात करें तो डाउ फ्यूचर्स जो है सुबह जब मैं चेक कर रहा था तो ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट की गिरावट थी। और यहां पर अगर आप देखें तो जो ब्रेंट क्रूड है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट कोई भी रुझान जो है पिछले 3-4 दिनों से हमें कच्चे तेल में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी की जो पोजीशंस है वो हम देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट जो है यहाँ पर ये ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। पर ओवरऑल बाजार का जो मोमेंटम है पिछले 2 दिनों से जो बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो मोमेंटम आज भी जारी रहेगा और इसीलिए सभी स्टॉक जो है मेरी सूची में आज खरीदारी के हैं। आशीष, आप बताइए। आपने तो सस्पेंस पहले ही खत्म कर दिया कि सारे स्टॉक्स आप खरीदारी वाली ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कुशल, बिल्कुल अच्छी बात यह कि आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी में भी निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। और बड़ा ट्रिगर ये भी कि आज से 18 साल के सभी ऊपर जो लोग हैं वो वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। तो यानी जो नियर टर्म ट्रिगर देखें बाजार के लिए पॉजिटिव है। वैसे भी थोड़े से जो मामले हैं लगभग अब कहीं ना कहीं स्टेबली देखने को मिल रहे हैं। देश भर में रेमडेसिविर हो या वैक्सीन हो या ऑक्सीजन की सप्लाई हो, उसमें भी पिछले हफ्ते के मुकाबले अगर आप देखें तो लगभग सभी राज्यों में एक सुधार देखा गया है। हालांकि चिंता अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है कि अब हम इस जो वैश्विक महामारी है इससे बहुत जल्द उभर पाएंगे। हालांकि कल का देखें तो करीब 3,62,000 के आसपास नए मामले आए हैं। उससे पहले एक दिन 26 अप्रैल को देखें तो करीब 3,20,000 थे, थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से आज से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो सभी के लिए खुलती हुई नजर आएगी, तो ये अपने आप में बाजार के लिए भी पॉजिटिव है, देश के लिए भी पॉजिटिव है। और इसका एक असर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि बाजार जो है फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, बाकी के सारी जो चीज़ें वो तो ऑलरेडी भाव में डिस्काउंटेड हैं। तो फिर शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। देखिए कुशल, आपने तो बता दिया कि सभी स्टॉक्स पर आप खरीदारी कर रहे हैं। आज कोइंसिडेंस ये कि मेरे पास भी आज सारी स्टॉक्स खरीदारी के हैं। इनफैक्ट मेरा कहीं ना कहीं जो फोकस बना हुआ है पोजिशनल कॉल्स पर ज़्यादा है। जो जिस प्रकार से पोजिशनल स्टॉक्स और खासतौर पर कैश में स्मॉल कैप और मिड कैप्स, यहाँ पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से प्ले करना चाहिए पोजिशनल बेट्स लेके। शुरुआत कर लेते हैं, पहली जो हमारी कैटेगरी होती है वो है कैश का स्टॉक। और कैश के स्टॉक में अगर आप देखें तो मैंने स्टॉक चुना है KIOCL, कुदेरमु आयर्न ओर कंपनी लिमिटेड। जो है सरकारी कंपनी है, आयर्न ओर का कारोबार है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्टील सेक्टर में खासतौर पर पूरा मेटल अगर आप देखें तो एक सुपर साइकिल की शुरुआत हो चुकी है। मैं मान रहा हूँ कि अर्निंग मोमेंटम जो है इनका काफ़ी सुधरते हुए नज़र आएगा। चाइना में अगर आप देखें तो आयर्न ओर की कीमतों में भी एक बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है। और घरेलू कीमतें तो अगर आप देखें तो काफ़ी महीनों से स्ट्रॉन्ग ही है, NMDC में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखी गई है। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि अगर आयर्न ओर में जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा तो NMDC से ज़्यादा आपको आउट परफॉर्मेंस नज़र आएगा KIOCL में। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और देखिए लक्ष्य मैं काफ़ी ऊँचे दे रहा हूँ आपको, फिलहाल जिस प्रकार से 150 के आसपास स्टॉक मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ कि अगर सुपर साइकिल सच में है तो स्टॉक के अंदर क्षमता है कि स्टॉक 250 तक जाएगा। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो एक बार इसका वीकली स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्टॉक में मान लो दोबारा अपनी जो लाइफ हाइज है इसे रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा समय देना होगा, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है, करीब 1.5 साल का व्यू बनाकर चलेंगे तो KIOCL में बढ़िया मुनाफा होगा। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? आशीष, मैंने स्टॉक चुना है सीमेंट स्पेस से। पर वो बताने के पहले आप देखिए, मैं जैसे कि नोटिस कर रहा था, इनफैक्ट मैं अभी मेल्स पर चेक कर रहा था, तो जो DIIs हैं वो 19 अप्रैल से लगातार खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि FIIs जो है उनका रुझान थोड़ा सा जो है नेगेटिव साइड पर है, जिस तरह से वो बिकवाली कर रहे हैं, पर जो हमारे घरेलू फंड्स हैं देश की स्थिति को देखते हुए वो कहीं ना कहीं इस माहौल में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए शायद जो है ये जो मोमेंटम है पिछले 2 दिनों का
वो हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है भारतीय बाजारों में। तो चलिए कैश पेज से मैंने स्टॉक चुना है श्री दिग्विजय सीमेंट का। आप देखिए ये स्टॉक में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिगर भी है, आज इसके नतीजे आने वाले हैं और जिस तरह से आपने ACC के नंबर्स देखे वहां पर काफी दमदार बढ़त देखने को मिली, चाहे वो वॉल्यूम फ्रंट पे हो, मार्जिन फ्रंट पर हो। तो मुझे लग रहा है कि जो सेंटिमेंट बना हुआ है खासकर इस स्पेस के लिए वो काफ़ी बेहतरीन है और इस स्टॉक में इसी वजह से आज के लिए तेज़ी बन सकती है। आप देखना होगा कि ये मार्केट आज में आते हैं या पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हैं, पर बाजार की जो एक्सपेक्टेशंस है ओवरऑल सीमेंट स्पेस को लेकर अर्निंग्स के स्पेसिफिक वो काफ़ी बेहतरीन है और इसी वजह से श्री दिग्विजय सीमेंट आज मैंने अपनी कैश स्पेस में इस स्टॉक को शामिल किया है। 75 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए और 70 रुपये 50 पैसे या 71 रुपये का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए कैश पेज से तो मैंने आपको श्री दिग्विजय सीमेंट बताया। अगली जो कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर्स की और यहाँ पर आशीष मैंने चुना है भारतीय एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन स्पेस से। और आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी मजबूत लग रहा है, कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 1.5-2% की तेजी स्टॉक ने दिखाई, बच ने भी ये स्टॉक जो है रेकमेंड भी किए थे और यहाँ पर इनके लिए एक और बड़ा ट्रिगर भी बन रहा है। आप देखिए जो इनकी होल्डिंग कंपनी है भारतीय एंटरप्राइजेस, उसकी जो ओन्ड कंपनी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली वनवेब, वो लगातार फंड रेजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कल एक अपडेट आया है कि वनवेब ने ऑलमोस्ट 4,103 करोड़ रुपये की ये फंड रेजिंग करने वाले हैं। 24% हिस्सेदारी जो है फ्रेंच सैटेलाइट ऑपरेटर यूटेलसैट कम्युनिकेशन को ये बेचने वाले हैं और यहाँ पर मोर इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ आ रही है कि अगले साल तक ये इनकी जो करीब करीब 648 सैटेलाइट्स के थ्रू ये जो है अपना फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट फ्लीट लॉन्च करेंगे। तो ये एक बड़ा ट्रिगर जो बन सकता है आगे आने वाले समय में भारतीय एयरटेल के लिए, तो काफ़ी अच्छा ट्रिगर स्पेसिफिकली अगर आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करें और ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है इससे इनको भी काफ़ी फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है भारतीय लेवल पर। तो इसीलिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी कीजिए 550 रुपये के लक्ष्य के लिए, 528 रुपये का आपको यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष आपने क्या चुना इस कैटेगरी में? देखिए फ्यूचर्स में खरीदारी वाला स्टॉक चुना है मैंने, TVS मोटर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें कंपनी के नतीजे हैं और नतीजे हर लिहाज से आप देखिए बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं, अनुमान यही था कि नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे लेकिन एस्टिमेट्स को बीट किया, तो मैं मान रहा हूँ जो कल की तेज़ी है वो फर्दर एक एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो ऐसा बढ़िया बन गया है कि अब जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी, आज अगर बाजार में तेज़ी आती है, स्टॉक में तेज़ी आती है, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो है वो क्रॉस होती हुई दिखेगी, वहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यानी जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो नेगेट होगा। और नतीजे सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए दरअसल हम जो है मुनाफे का अनुमान लगा रहे थे करीब 225 करोड़ के आसपास, 290 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन्स में पोजीशंस देखिए कितनी बेहतर है, 8.4% एबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे, कंपनी ने रिपोर्ट किया 10%, 440 करोड़ के अनुमान था कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा का, यहाँ पर देखिए 537 करोड़ का भारी भरकम एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। टॉप लाइन में भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा जो एस्टिमेट्स को बीट किया है, तो हर लिहाज से आप देखिए आय मुनाफा मार्जिन्स हर प्रकार से अगर आप नतीजे देखें तो मैं मान रहा हूँ TVS मोटर्स काफ़ी बढ़िया नंबर्स हैं, अच्छी तेज़ी दिन के दौरान देखने को मिल सकती है, 590 के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है। हालांकि स्टॉप लॉस आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, 560 का स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग होगी, उसके लिहाज से देखना होगा कि फर्दर एक हेडरूम बचता है कि नहीं, लेकिन कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो जो प्राथमिक लक्ष्य मेरे सामने आ रहा है वो 590 रुपये का है। चलिए जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुक करते हैं, वो है बेस्ट ऑप्शन और यहाँ पर देखिए मैंने एक ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी चुनी है मदरसन सुमी सिस्टम्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। जिस प्रकार से चार्ट का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ हर निचले स्तर पर इस स्टॉक में एक बढ़िया अक्यूमुलेशन देखने को मिला है। अच्छी बात यह है क्योंकि एक्सपायरी के लिए अब देखिए सिर्फ एक ही दिन बचा है, तो जो कॉल ऑप्शन हैं या पुट ऑप्शन जो भी आप देख लीजिए बहुत सस्ते देखने को मिल रहे हैं, तो ट्रेड बढ़िया हो सकता है और खासतौर पर अगर आप देखें तो इंट्राडे ट्रेड ही लेंगे ऑप्शन में, नहीं तो फिर टाइम डे के तो कल तो सारे जीरो ही हो जाएंगे अगर आउट ऑफ द मनी हो गया। तो मदरसन सुमी 215 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, करीब करीब अगर आप देखें तो इसकी कैश में क्लोजिंग 216 के आसपास के, 215 जाने का जो कारण है हर बार मैं यही कहता हूँ कि अगर आप इन द मनी रहेंगे ऐट द मनी रहेंगे तो आपको 0.8 का डेल्टा मिल जाएगा, छोटा सा भी मूव आएगा तो आपको लॉट साइज के हिसाब से अगर आप देखें तो मुनाफा बढ़िया होते हुए नजर आएगा इंट्राडे बेसिस पर। तो 215 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे और मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं जो क्षमता है 220 के पार जाने की है और बाजार का मूड माहौल वैसे भी अगर आप देखें तो TVS मोटर्स के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं सुधरता ही नजर आएगा खासतौर पर पूरे ऑटो स्पेस के लिए। तो ये करीब 220 के पार चला गया तो ऑप्शन की जो वैल्यू है करीब 6 रुपये के आसपास हो जाएगी, स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा 1.80 रुपये। कुशल आपने कौन से स्टॉक चुने?
मैंने ऑप्शन कैटेगरी में आशीष चुना है स्टॉक बजाज फाइनेंस का। आप देखिए इसके जो नंबर्स आते हुए नजर आए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं, खासकर अगर आप जो इनकी ब्याज से आय की बात करें तो 4450 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 4660 करोड़ की ब्याज से आय घोषित की है और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 42% बढ़कर करीब 1350 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। और मोर इंटरेस्टिंगली अगर आप कंपनी की एसेट क्वालिटी देखें तो वहां पर काफ़ी बेहतरीन सुधार हमें देखने को मिला है। तिमाही आधार पर 2.9% से घटकर 1.8% GNPA कंपनी ने दर्ज किया है और साथ ही कंपनी का जो प्रोविजन है वो भी 1350 करोड़ से घटकर 1230 करोड़ पर आया है। तो सभी पैरामीटर्स पर बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं और इसीलिए मैंने इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय दी है। 4900 का कॉल ऑप्शन है, 83 रुपए की प्राइसिंग है, 160 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 60 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये ऑप्शन कैटेगरी का मेरा कॉल है बजाज फाइनेंस में। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक की और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर डीवीज लैब स्टॉक है जहां पर बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप कल की रेंज देखें आशीष तो 3780 रुपए से लेकर 3924 रुपए का जो प्राइसिंग है, जो रेंज है, वो कंपनी ने कल दिखाया था, जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है और जो क्लोजिंग हुई थी वो करीब 3910 रुपए के आसपास होती हुई दिखी थी। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बेहतरीन तेजी इस वजह से भी बन सकती है क्योंकि ऑलमोस्ट नियर डे हाई के आसपास की इसकी क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी। कल के सत्र में 3.5% की गेंस थी और मुझे लग रहा है कि आज ये जो मोमेंटम है इस वजह से स्ट्रांग रह सकता है। तो 4020 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 3870 रुपए का आपको यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष आपने क्या चुना है इस कैटेगरी? देखिए फार्मा कंपनी चुनी है मैंने, आयुएल केमिकल, जिस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसके पीछे का कारण सबसे पहले चार्ट आपको समझाता हूँ। चार्ट अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ने करीब 885-890 के आसपास हाई बनाया था और अगस्त के आसपास ये हाई बना था। वहां से फिर हमने देखा कि कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड देखा गया था स्टॉक के अंदर। अब लेकिन निचले स्तर पर अगर आप देखेंगे तो खासतौर पर 560 से लेकर 565 की जो रेंज है यहां पर इस स्टॉक ने एक स्ट्रांग बेस बना लिया, तो मैं मान रहा हूं कि इससे नीचे तो फिलहाल ये जा नहीं रहा। लेकिन जो नियर टर्म रेजिस्टेंस सामने आ रहा है वो है करीब 616-617 के आसपास और यहाँ से भी स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगला जो पड़ा है वो 640 के पार आता है तो मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक जो है इसको भी पार करते हुए नजर आएगा क्योंकि कल के सत्र में आप देखें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी। इससे थोड़े दिन पहले भी अगर आप देखें तो बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ, मोर देन 20-डे एवरेज वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। तो मैं मान रहा हूँ कि जो प्रीवियस पीक है करीब 685-700 तक, वहाँ तक ये स्टॉक जाने की फिर से क्षमता रखता है और ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव ट्रेंड बनाता है स्टॉक में वो एक नेगेट होते हुए नजर आएगा। तो आयुएल केमिकल्स ये एक सेफ बेट हो सकता है ऐसे वॉलेटाइल बाजार में। वैसे भी अगर आप देखें तो फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी करने का कम्फर्ट आता है क्योंकि बाजार गिर भी जाता है तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी बरकरार देखने को मिलती है, मोमेंटम दोबारा स्ट्रांग हो जाता है। तो आयुएल केमिकल्स इस स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में तुरंत शामिल कर लीजिए। पहला लक्ष्य मेरे सामने आ रहा है 585 रुपये के 685 के आसपास, माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है 590 का। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आप सेफली जो है करीब करीब 15-20% तक के रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं, थोड़ा समय देना होगा। चलिए जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुक करते हैं, वो है फंडा पिक। और यहाँ पर देखिए मैंने भारी भरकम स्टॉक चुना है, थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है लेकिन डिक्सन टेक इस स्टॉक को आप अपने रडार पर जरूर रखें। पहली बात तो आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी मैं देख रहा था जहाँ पर ये कही जा रही है कि बातें कि पैंडेमिक के चलते जो है स्मार्टफोन की मांग है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी और क्योंकि बाजार थोड़ा सा इंटरनेशनल होता है ऐसी खबरों पर भी रिएक्शन देते रहे। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि डिक्सन टेक जो है सोली सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं बनाता है, आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए कितना मजबूत है। ये बोट के लिए जो है हेडफोन्स बना रहे हैं, ये स्मार्टफोन्स बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, LEDs बना रहे हैं, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो ओवर द ईयर्स काफ़ी ग्रोथ हुए नजर आया और इनके कारोबार में अच्छी बात ये भी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले जितने भी विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसके प्राइसिंग के साथ या फिर आप कह लीजिए वैल्यूएशन के साथ आर्ग्यू किया वो सारे के सारे गलत पड़ते हुए नजर आए। एक तरफा तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली और देखिए ग्रोथ के स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं, अगर आप 10 साल पहले भी हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते थे तो भाव के हिसाब से तो अब आपको ज़रूर सस्ता लगेगा लेकिन वैल्यूएशन तभी भी महंगे थे, आज भी महंगे। और मैं मान रहा हूँ कि भारतीय बाजार ग्रोथ स्टोरी है तो वैल्यूएशन जो ग्रोथ फोकस स्टॉक्स होते हैं उनके महंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पर भाव के साथ आर्ग्यू नहीं करने चाहिए, आप कहीं ना कहीं जो स्प्लिट हो गया उससे फ़ायदा ये है कि आपको जो भारी भरकम 20,000 का स्टॉक दिखता था वो फिलहाल 4,000 के स्तर पर दिख रहा है। मैं मान रहा हूँ कि स्टोरी जो है बहुत बढ़िया है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत शानदार है, कंटिन्यूस नए एडिशन्स नए टाइप्स करते रहते हैं और जिस प्रकार से क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है
तो फिर जो बिक्री है वो घटती है बढ़ती है, इससे इनको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऑर्डर्स तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हालांकि कंपनी जो है पब्लिकली इसकी जानकारी नहीं देती कि वो कितने मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली है, किसके लिए बनाने वाली है, या फिर अगर कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई घटती है तो उससे ऑर्डर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है तो आपको उसी नज़रिए से देखना चाहिए, बिक्री हो या ना हो ये इनका लुकआउट नहीं है। डिक्सन टेक इस स्टॉक पर आप अपनी जो है नज़र बनाकर रख सकते हैं, और मैं मान रहा हूँ कि फंडामेंटली तो बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया स्टोरी है, लेकिन अगर आप 2 महीने का भी समय देंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। पहला लक्ष्य होगा मेरा 4,500, अगर इसके भी पार चला गया तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल, और मैंने फंडामेंटली जो स्टॉक चुना है वो है स्टार पेपर का। आप देखिए यहाँ पर कॉमोडिटी प्ले है, और जिस तरह से अब वापस से थोड़े से केसेस रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो इनकी डिमांड है वो फिर से पिकअप करती हुई नज़र आएगी। तो थोड़े से लंबी अवधि के लिए आपको यहाँ पर स्टॉक में निवेशित रहना है, और मुझे लग रहा है कि 6 महीनों का अगर आप होल्डिंग पीरियड रखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मैंने इनिशियल टारगेट जो दिया है वो है 135 रुपये का। तो स्टार पेपर पर आपको फोकस बनाकर चलना है। इनफैक्ट एंटायर पेपर अगर आप सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी है मेरी वो है इन्वेस्टमेंट पिक की, और इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लीग में आज मैंने स्टॉक चुना है कैपिटल गुड स्पेस से L&T का। अगर आप देखिए तो जब इनिशियली जो ये केसेस वापस से बढ़ते हुए दिखे थे तो जो माइग्रेशन ऑफ लेबर का खतरा था उस वजह से L&T काफ़ी टूटता हुआ नजर आया था, पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जो है पिछले 2-3 दिनों में आपको इस स्टॉक में आता हुआ नजर आया। आप कल भी देखिए काफ़ी बेहतरीन तेजी इस काउंटर में बनती हुई नजर आई थी, और फंडामेंटली अगर आप देखें तो स्टोरी जो है अभी भी इंटैक्ट है, और लगातार आप देखिए इस कंपनी को जो देश की दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनको जो है लगातार बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसकी जो एग्जीक्यूशन है, अब जैसे जैसे देश में केसेस रिसीड होते जाएंगे इनके लिए वो काफ़ी बेहतरी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको अगले 1 साल में देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा लंबी अवधि के का नज़रिया है इस स्टॉक के लिए, और जो इसने लेवल्स ऑलमोस्ट आप देखिए 1400 रुपये के टच किए थे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी के साथ 1650 के लक्ष्य भी आपको अगले 12 महीनों में हासिल होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो L&T पर अपने जो आप पोर्टफोलियो है वहाँ आप इसको शामिल कर सकते हैं। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? देखिए, लेकिन L&T खास बात ये भी कि स्टॉक कल हमने आपको बताया था खरीदारी करने के लिए आपको कॉल ऑप्शन के जरिए तेज़ी बनाने को कहा गया था, और यहाँ पर करीब 1340 का जो कॉल ऑप्शन है वो मैंने सजेस्ट किया था। कुशल, दिन के दौरान यहाँ पर 200% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला था, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स वहाँ पर हासिल होते नजर आए, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही फैंटास्टिक ग्रोथ स्टोरी है L&T, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी है इन्वेस्टर प्रॉफिट लीग, यानी वो स्टॉक जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर फार्मा कंपनी को चुना है, अजंता फार्मा। इस स्टॉक पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले एक तकनीकी तर्क मैं आपको बताता हूँ कि डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ, और पैटर्न की हाइट है वो बताती है कि स्टॉक में दुगना होने की क्षमता है, डबलर साबित हो सकता है। फंडामेंटल्स देखिए, फिलहाल अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी से 25 के पीई पर मिल रही है, 20-21% ROE का ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी पूरी तरीके से कर्ज मुक्त है, 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, और जिस प्रकार के रिटर्न रेशियोज है खासतौर पर अगर आप देखें तो मुनाफा, क्योंकि मुनाफे का आंकड़ा देखिए 10 साल की स्टोरी है, टाइम टेस्टेड कंपनी है, करीब 30% CAGR की दर से पिछले 10 साल में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत बेहतर है और फार्मा एक बढ़िया सेक्टर हो सकता है निवेश के लिहाज से, तो अजंता फार्मा में आपको खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि जो लक्ष्य है मैं आपको सिर्फ 1.5 साल के हिसाब से बता रहा हूँ, 2045 करीब अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर क्षमता की यहाँ से भी बढ़िया गेंस आपको देखने को मिले, तो निवेश के लिहाज से खरीदना है अजंता फार्मा। चलिए, जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुक करते हैं, वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है नतीजे वाला स्टॉक, और आज के सत्र में दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं एक्सिस बैंक के। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, स्ट्रक्चर तो काफ़ी बढ़िया ही है, और खास बात यह कि बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक कंपेरेटिवली उतना चला नहीं है, तो खरीदारी करने के लिए कंफर्ट भी है। अब यहाँ पर जो नतीजे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, दरअसल जितना अनुमान लगाया जा रहा था अच्छे नतीजों का, उससे कहीं बेहतर जो है नतीजे कंपनी ने पेश करते हुए नजर आए। इनके जो ब्याज आए इसमें करीब 11% की बढ़त देखने को मिली है, करीब 7,600 करोड़ के आसपास था, 7,555, यानी ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। कंपनी का मुनाफा
ये बाजार को चौंका दिया। इसने 1650 करोड़ बाजार अनुमान लगा रहा था, करीब 2675 करोड़ के आसपास मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखें तो स्थिर देखने को मिले, एसेट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और प्रोविजंस भी अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही 28% घटे हैं। तो एक्सिस बैंक ये तो नो ब्रेनर है, सभी आज यहाँ पर खरीदारी करेंगे। पहला लक्ष्य होगा 716, 687 का आप स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। विशाल आपने कौन सा स्टॉक चुना है? मैंने चुना है खबरों के दम पर जामना ऑटो का स्टॉक। आप देखिए यहाँ पर रेटिंग एजेंसियों का काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार वो तमाम जो कंपनियां हैं उनको रेट करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर इनके लिए इकरा ने जो रेटिंग दी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। खासकर अगर आप इनकी जो आउटलुक है उसकी बात करें तो निगेटिव से इन्होंने बदल कर आउटलुक जो है स्टेबल कर दिया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर है। ये जो आउटलुक में बदलाव किया गया है और जो रेटिंग्स है इनकी, चाहे वो लंबी अवधि की हो या छोटी अवधि की, उन दोनों को रीअफर्म करते हुए नजर आए हैं। तो पॉजिटिव बायस के साथ आज आप जानना ऑटो में खरीदारी करके चल सकते हैं। 70 रुपए के लक्ष्य के लिए 66.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो आशीष खबरों के दम पर मेरी तरफ से जानना ऑटो। चलिए अब आखिरी कैटेगरी की ओर रुक करते हैं, वो है माय चॉइस। और यहाँ पर मैंने पहला स्टॉक चुना है वी गार्ड, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में हमने देखा था कि सिम्फनी के नतीजे आए थे, स्टॉक में बढ़िया उछाल देखने को मिला था। वी गार्ड अगर आप देखें तो पूरी स्पेस को अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर आप करीब करीब समझ लिए 222 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। दिन के दौरान 235 के पार ये स्टॉक जा सकता है। अगला स्टॉक का है मेरी लिस्ट में न्यूजेन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी शानदार लग रहा है और जितने भी इंडिकेटर्स मैंने देखे हैं वो सभी यही इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक में अगर आप देखें तो पोजिशनल तौर पर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी अगर आप देखें तो मिड कैप आईटी स्पेस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम बिल्टअप होते हुए नजर आ रहा है। केवल एक महीने का समय देना और मैं मान रहा हूँ कि स्टेबल बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 367 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर में आप पोजिशनल बेट ले सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, थोड़ा सा सेफ बेट है IOC, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में हमने देखा था कि ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ थोड़ा सा स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला था। निचले स्तर पर स्टॉक ने एक बेस बना लिया और यहाँ से एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। हालांकि दिन के दौरान ज़्यादा तेजी नहीं होगी तो ज़्यादा गिरावट भी नहीं होगी, तो जो रिस्क एवर्स ट्रेडर्स हैं वो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 90 रुपये के लक्ष्य के लिए 88.25 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए माई चॉइस में मैंने पहला स्टॉक चुना है इन्फो एज का। यहाँ पर जो पॉपुलर जोमैटो है उनके IPO की फाइलिंग जो है आज होती हुई नज़र आ सकती है, ऐसी कुछ खबरें बता रहे हैं। और यहाँ पर इनके आप देखें कंपनी की जोमैटो में करीब करीब 18.5% हिस्सेदारी है और यहाँ पर इन्फो एज ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर कंपनी में जो इनकी हिस्सेदारी है जोमैटो में, वो कंपनी में 750 करोड़ रुपये के जो शेयर्स हैं उसको बेचने की मंजूरी मिल गई है। तो ये ऑफिस के जरिए जो है ये बेचते हुए नज़र आएंगे, ऐसा उन्होंने इन्फॉर्म किया है। तो आप देखिए अब से लेकर जब तक ये लिस्ट नहीं हो जाता है तब तक लगातार इन्फोएज फोकस में बना रहेगा और मुझे लग रहा है कि अगले 2 महीने में 5500 रुपये के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीब 2.5 लाख शेयरों की जो है खरीदारी की 1875 रुपये प्रति शेयर के भाव पर और इसी वजह से पॉजिटिव फंड एक्शन का जो ट्रिगर है 1950 रुपये के लक्ष्य आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 1870 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में इंडियन बैंक का। आप देखिए कल मेटल सेक्टर्स के बाद PSU बैंक इंडेक्स जो है काफी बेहतरीन तेजी दिखाते हुए नजर आए थे और मुझे लग रहा है कि यहां पर इस वजह से इंडियन बैंक जैसे स्टॉक में अच्छी तेजी बन सकती है। कल भी ये 2.5% चला था और टेक्निकली भी जो है चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है। तो 116 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए और 110 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट पूरी होगी, जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। कैश का स्टॉक मैंने चुना है KIOCL, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी लंबी अवधि के लिहाज से। TVS मोटर्स में आज तेजी देखने को मिलेगी। मदरसन सुमी 215 का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशन बनाएंगे। टेक्निकली आयोल केमिकल्स काफी बढ़िया नजर आ रहा है, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। डिक्सन टेक यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, निवेश के लिहाज से खरीदना है। अजंता फार्मा खबरों के दम पर स्टॉक है। एक्सिस बैंक नतीजे अनुमान से काफी बढ़िया देखने को मिले, दिन के दौरान बढ़िया स्पाइक यहाँ पर देखने को मिलेगा। वीगार्ड में खरीदारी करनी है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और IOC आज के सत्र में एक सेफ बेट हो सकता है। 90 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है अजंता फार्मा में। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक बेहतरीन है। 2045 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं।
चलिए कैश स्पेस से श्री दिग्विजय सीमेंट खरीदारी करके चले। आज इसके नंबर्स हैं एक्सपेक्टेड, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स में बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा जो बढ़िया नतीजे आए हैं बजाज फाइनेंस के, उसमें आपको कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलनी है। टेक्निकली डिवीज लैब काफी स्ट्रांग लग रहा है। फंडामेंटली कमोडिटी प्ले है स्टार पेपर का, 6 महीनों की अवधि के लिए 135 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। L&T काफी बेहतरीन काउंटर लग रहा है। कैपिटल गुड स्पेस भी काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है, तो 1 साल की अवधि के लिए इसमें भी निवेशित रहे 1650 के लक्ष्य के लिए। खबरों के दम पर जामना ऑटो जो पॉजिटिव रेटिंग एक्शन हुआ है, और माई चॉइस कैटेगरी में आपको 3 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, इन्फो एज, लक्स इंडस्ट्रीज और इंडियन बैंक। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है स्टार पेपर का, बेहतरीन कमोडिटी प्ले है और अगले 6 महीनों में आपको 20-22% का रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। 135 रुपए का लक्ष्य आपको इसमें बनाकर चलना है।